उसका विजन बताएंगे सरकार का, तो 3 साल तक बगैर विजन के सरकार चलती रही है। अब विजन बताने की जरूरत है। इसका मैं जो बात कहता था वो सही साबित हो रहा है कि ये सरकार डायरेक्शनलेस सरकार है, दिशाहीन सरकार है। तो ये खुद ही मान रहे हैं, खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि दिशाहीन है। जब तो 3 साल के बाद जब नज़दीक आ गया चुनाव के, वो दिशा देने जा रहे हैं सरकार को। तो बाकी ये मैंने कहा भाई उनका कोई मकसद नहीं है इसका। इसका मतलब वहाँ मकसद है खर्चा, भोजन और विश्राम, 3 चीज़ करने जा रहे हैं। विश्राम करना होता या घूमने जाना होता तो विदेश ही ना घूम जाते। वो तो घूमे अभी, तो गए थे दुबई, दुबई गए थे ना, उससे पहले सारी दुनिया में घूमे। लेकिन ये जो है ना, ये जो भाई चंडीगढ़ में आपने बैठे हो वहाँ पर, 3 साल के बाद डायरेक्शन दिखाने का क्या मतलब, विजन बताने का क्या मतलब? क्योंकि 154 वायदों में से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब लोग सवाल उठाने लगे इनसे, विफल सरकार है, ट्विटर लाइक से है। क्या मतलब 5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रहे हैं जी गाड़ियों को। भास्कर ने छापी है कि हरेक जैसे रामलाल शर्मा रोज के 600 किलोमीटर गाड़ी से चलता हुआ और एवरेज दिखा रहे हैं 5 किलोमीटर की, जबकि गाड़ी की एवरेज 10 किलोमीटर ही है। कंपनी दिखा रही है उसकी गाड़ी की 14 किलोमीटर की एवरेज, ये दिखाते हैं। कौन सी गाड़ी है? फॉर्च्यूनर वगैरह नहीं, सारी गाड़ी मतलब फॉर्च्यूनर की 14 किलोमीटर नहीं आती। वो अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग मापदंड दिया हुआ है कि कंपनी माइलेज ये दे रही है, जबकि मंत्री लोग ये ऑडिट होना चाहिए तो होना चाहिए। अगर ऐसी है तो मेरे को तो मालूम नहीं, आपने बताया है तो। अगर ये ऐसी है तो वैसे तो घोटालों की सरकार है, ये भी एक घोटाला होगा। एक महीने में कई, लेकिन इंक्वायरी नहीं कराएंगे ये। इंक्वायरी मतलब केस, झूठे केस सिर्फ विरोधियों में बांधते हैं, अपने खिलाफ सच्चे केस भी इंक्वायरी कराते हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई प्रदेश की, इनके हाथ से बाहर है। अब किसी भी शहर में लगाओ, ये मेरे पड़ोस में चोरी होगी भाई रात को, कहीं चोरी, कहीं डाका, कहीं मर्डर। बच्चे ना स्कूल में सेफ हैं, ना घरों में सेफ हैं, महिलाएं सेफ नहीं हैं, और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ प्रदेश में है ही नहीं। मैं तो कई बार कह चुका भाई, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई सरकार है ही नहीं। और इनफैक्ट ये बात भी ठीक है, ये जो हरियाणा जिस प्रकार से सरकार काम करी है, सरकार का काम नहीं करी, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम अच्छा करते हैं ये। वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के उसके लिए पैसा फूका जा रहा है। सर एनएचएम कर्मचारी पिछले काफी दिनों से भूगड़ताल पे बैठे, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हमने बर्खास्त कर दिए, मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बर्खास्त नहीं, सिर्फ चेतावनी दी गई। समावेश नहीं है सरकार में, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, दिशाहीन सरकारें ऐसी ही करती हैं। दिशा और दिशाहीन कैसे होती हैं सरकारें? प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनकी मनमानी आजकल हरियाणा में खूब चल रही है। पीछे भी एक गुड़गांव का मामला आया था, कई लाख रुपए का बिल बना दिया था। आज फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल ने 36 लाख का बिल दिया है पथरी ऑपरेशन का। तो क्या सरकार की मिली भक्ति है जो इतनी खुली लूट मचा रहे हैं? देखिए एक एक्ट आया था हमारे समय में, उसमें अमेंडमेंट करनी थी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, वो अमेंडमेंट करके ताकि दोनों को ठीक रहे, तो अमेंडमेंट करके डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बननी थी तो जो इस बात को रेगुलेट करती, रेगुलेटरी वो बनाना था। सरकार ने 3 साल हो गए उसमें कुछ भी नहीं किया। और प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जा रहे हैं लोग? ना इनके पास दवाई है, ना डॉक्टर है, और क्या करेंगे लोग? अब प्राइवेट अस्पतालों में ताला लगवा देंगे तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली चले जाएंगे और दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। तो ये दिशा इन सरकार का ऐसे ही काम होता है। कोई भी एक भी इस सरकार का फैसला जनहित का फैसला नहीं है। हमारे समय दवाई फ्री थी, यहाँ मैं PGI में जाके देखो, पूछो, टोटल फ्री दवाई थी। आज क्या हाल है वहाँ डिस्पेंसरीज में? टोटल फ्री दवाई थी हमारी, आज क्या हाल है? जब आप दवाई दे सकते नहीं, डॉक्टर है नहीं, वो देखता नहीं, बुरा हाल है, तो लोग क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। एक आपके कार्यकाल में ट्रॉमा सेंटर शुरू हुआ था जी, शुरू क्या मतलब बनना शुरू हुआ था, लेकिन अब तक